मध्य प्रदेश के सीहोर के रेहटी में एक अनोखी शादी चर्चा में है। इस विवाह में किसी भी तरह का फिजूल खर्चा नहीं किया गया, ना तो दूल्हे दुल्हन ने सात फेरे लिए और ना ही कोई दहेज दिया गया। यह विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रेहटी के बाल कृष्ण माहेश्वरी के पुत्र गुणातीत का अंतरजातीय विवाह निधि पुत्री अमरेंद्र निवासी मुंबई के साथ था। रविवार को आनंद मार्गीय परंपरा के अनुसार जात पात का भेद मिटाकर बगैर टीका बगैर दहेज और बिना कोई फेरे के वर वधु ने आनंद मार्गीय शपथ लेकर एक दूजे का हाथ थामा। इसका उद्देश्य सिर्फ मानव एक कोई जात पात नहीं कोई बड़ा छोटा का संदेश देना था। आपको बता दें कि इससे पहले वर वधु भी कभी नहीं मिले थे, ना ही एक दूसरे को पहचानते थे। दोनों के माता पिता आनंद मार्गीय कार्यक्रम में मिले और रिश्ता तय हुआ। आज बॉम्बे से यहां आकर यह विवाह संपन्न हुआ। क्या नाम है आपका? गुणातीत माहेश्वरी। ये जो शादी हुई है विप्र विवाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विप्लवी विवाह, अंतर जाति विवाह, जिसमें जात पात को नहीं माना जाता है। आप एक दूसरे से पहले कभी मिले हैं क्या? जी नहीं। हम लोग धर्म सम्मेलन में हम लोगों का परिचय हुआ। हम लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ को बिलोंग करते हैं, तो इसके तहत भगवान शिव ने भी तीन शादियां की थी। उन्होंने गंगा, गौरी और काली तीन विवाह किए थे। इसमें जात पात को नहीं माना जाता है। सबसे बड़ी जो जात रहती है वो इंसानियत रहती है। मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। आपने इससे पहले मिले थे क्या आप इनसे? नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं कटिहार, बॉम्बे। बॉम्बे। कभी रेहटी का नाम सुना था क्या आपने? नहीं। आपको ठीक लग रहा है विवाह? जमालपुर करके जिले में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का प्रादुर्भाव हुआ। परमात्मा जब भी धरा पर आते हैं तो छद्म वेश में आते हैं, उनको मनुष्य पहचान नहीं पाता है। तो उन्होंने आनंद मार्ग संगठन बनाया, आध्यात्मिक संगठन। आज दुनिया के 200 देशों में इसकी शाखाएं हैं। ये कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई जात पात नहीं मानता है। और ये आज जो मेरे बेटे की मैंने शादी की है, तो ये हम लोगों का एक मुख्यालय है, हम लोगों का आश्रम है पुरुलिया में। तो वहाँ पर आनंद नगर में धर्म सम्मेलन होता है न्यू ईयर में, उसमें 200 देशों के लोग इकट्ठा होते हैं। हम लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं और हमारे आचार विचार जहाँ हमारे मिलते हैं वहाँ हम लोगों के आपस में बच्चे बच्चियों के संबंध तय हो जाते हैं। तो उसी तारतम्य में ये आज विवाह संपन्न हुआ। आप सब लोग इसमें पधारे, धन्यवाद, नमस्कार। विवाह संपन्न हुआ, उसको हम विप्लवी विवाह के नाम से जानते हैं, अंतरजातीय विवाह के नाम से जानते हैं। इस विवाह में किसी भी जाति पाति का विचार नहीं किया जाता, किसी भी भेद का विचार नहीं किया जाता। इस विवाह को माता पिता वर वधु के लिए अपनी सुयोग्य वर वधु को चुनाव करते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को समाज में लाने के लिए। और इस विवाह का एक ही मकसद है, समाज में एक परिवर्तन लाना अंतरजातीय विवाह के माध्यम से। आज के समाज में जो ऊंच नीच जाति पाति का जो विचार सबसे ज़्यादा हो गया है, समाज में एक खाई पैदा हो गई है, इसको समाप्त करने के लिए गुरुदेव श्री श्री अनुमूर्ति जी ने अंतरजातीय विवाह का प्रचलन दिया। विप्लवी विवाह के नाम से हम लोग इसमें जानते हैं। इस विवाह में किसी पक्ष की ओर से तिलक दहेज का दावा नहीं किया जाता है, अपनी स्वेच्छा से इस विवाह को संपन्न कराता है समाज में एक नया परिवर्तन लाने के लिए। धन्यवाद।